अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का सागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 1,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर तीखे प्रहार किए। कहा कि पहले सरकारी राशन सपा के गुंडे खा जाते थे, कोई भी माफिया होगा सपा से जुड़ा हुआ था। बबुआ पहले कमरे से बाहर नहीं निकलता था, बबुआ पहले 12 बजे सोकर उठता था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को हमारे हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पसंद नहीं थी। सपा सरकार में दुर्गा पूजा में अयोध्या में दंगा हुआ, अयोध्या की देवकाली मंदिर में मूर्ति चोरी हुई, इसके लिए मुझे अयोध्या आकर आंदोलन करना पड़ा। सपा सरकार में गौहत्या होती थी, वो कहते हैं कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ, हमारी सरकार ने अवैध कब्जा हटाया, हमने 1700 करोड़ का मुआवजा दिया। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि अच्छी सरकार होती है तो विकास लेकर आती है, अच्छी सरकार होती है तो सुरक्षा मिलती है। डबल इंजन सरकार ने विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, गांव-गांव और मजरों में बिजली और पानी मिल रहा है, होली और दीपावली में फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आज फ्री में राशन मिल रहा है, 2017 से पहले नहीं मिलता था। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी, विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7-7.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। आज आपको 4 लेन की सड़कें दिखती होंगी, 2 लेन की सड़कें दिखती होंगी, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी, गांव-गांव और मजरे मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2,62,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया, तो 56 लाख गरीबों के एक एक आवास भी बने कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है, फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था, किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का सागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी,
बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहन और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुईन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोही में भी इनका एक विधायक, भदोही का कारनामा भी इनका देखिए।